सभी किसान साथियों को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैं फार्मिंग पर। आप अपने स्क्रीन पर जो स्टेयरिंग सिस्टम देख रही है, यह है ऑटोमेटिक स्टेयरिंग सिस्टम जो कि टॉपकॉन कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यह है जो एक स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है, यह GPS सिस्टम है पूरा का पूरा। अब आपको जो ट्रैक्टर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपके ट्रैक्टर का पावर स्टेयरिंग होता है उसके ऊपर ये जो स्टेयरिंग है वो एडजस्ट हो जाता है और आपको ये कंप्यूटर मिलेगा, स्क्रीन मिलेगी। देखिए ये जो स्टेयरिंग है ये आपके जो पहले वाला स्टेयरिंग है उसको हटा के यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है, ये स्टेयरिंग मोटर होती है ऑटोमेटिक। और जो ये आप स्क्रीन देख रही है GPS सिस्टम है इसका, जो कि आपके ट्रैक्टर को अपने आप ही कंट्रोल करेगा, अपने आप स्टेयर करेगा और आपको हाथ भी लगाने की अब ट्रैक्टर में ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार GPS के अंदर आपका एरिया सेलेक्ट करके छोड़ देना, इतने एरिया के अंदर हमें इतनी फांट चाहिए, मतलब कोई भी इंप्लीमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं जैसे लेजर लेवलर का यूज़ कर रहे हैं या फिर पोटैटो टोमेटो प्लांटिंग जो है आपकी उसके अंदर या फिर आपकी जो राइस प्लांटिंग है उसके अंदर इसको कामयाब बताया गया है। लेकिन आप कोई भी काम जैसे कल्टीवेटर का काम या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इसके अंदर एडजस्ट करके एक बार अपने खेत की जो हाइट को सेलेक्ट करके छोड़ देना है और आपको आराम से ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाना है या अपने आप ट्रैक्टर को स्टीयर करेगा। तो यह टेक्नोलॉजी अब ट्रैक्टर को ऑटोमेटिक बनाने का एक बहुत ही शानदार जो हमें लगा है यह पूरा सिस्टम। अभी जैसे इसकी प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों लगभग जो इसकी कीमत है वो 1.5 लाख प्लस ही है। आप अपने ट्रैक्टर पर इसको अगर एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए के आसपास ही है। और जो पूरा आइडिया हमें इस चीज़ का अभी तक नहीं है, पूरा इसका जो प्राइस है मैं आपको कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर आप इंटरनेट पर सर्च करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दें कि ये ऑटोमेटिक स्टेयरिंग सिस्टम आप अपने ट्रैक्टर पर लगवाना चाहेंगे या नहीं लगवाना चाहेंगे। वैसे टेक्नोलॉजी तो हमें भी अच्छी लगी, आप अपने जो कंप्यूटराइज ट्रैक्टर को कर सकते हैं इसके द्वारा। तो दोस्तों क्या आप इस सिस्टम को अपने ट्रैक्टर के ऊपर लगवाना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको कैसा लगे यह सिस्टम। तो थोड़ी और आप इसके बारे में जानकारी इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो दिन में काम कर सकता है लेकिन रात को नहीं कर सकता, लेकिन इस स्टीयरिंग के इस्तेमाल करने से वो रात में भी उसी एक्यूरेसी को वो अचीव कर सकता है जो वो दिन और रात उनके लिए। मान लो ये स्टीयरिंग जैसे ऑटोमेटिक काम कर रहा है तो आप मैनुअल घुमा सकते हैं ऑटोमेटिक के अंदर? हाँ, आप ऑटोमेटिक में चल रहा है, अगर आप इसको ऑटो से हटाना चाहते हैं आप इसको ऑटो से हटा दीजिए। नहीं, ऑटो के अंदर भी घुमा सकते हैं मैनुअल में? नहीं, ऑटो जब ये ऑटो में चल रहा है तो जब ये ऑटो में चल रहा है तो ये अब ये मशीन इसके कंट्रोल में है। और अगर मान लीजिए कि आप फील्ड से बाहर निकलते हैं तब आप इसको ऑटो स्टेयरिंग से हटा के आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं और आप जो नॉर्मल स्टेयरिंग की तरह ये फिर मैनुअल। कौन से ट्रैक्टर पे लगा सकते हैं? कोई भी बड़ा ट्रैक्टर, छोटे से छोटा, कितने भी बड़े से बड़े ट्रैक्टर पे ये लग सकता है। ओके, इसमें वेरिएंट भी है या एक ही वेरिएंट? यही ठीक है। इसकी फिटिंग वगैरह कैसे करवाएं फिर? अगर देखिए जो उनकी एग्जिस्टिंग स्टेयरिंग है उसको निकालते हैं और हर एक स्टेयरिंग रॉड होती है, हर एक स्टेयरिंग, हर एक कंपनी के स्टेयरिंग रॉड जो है उसके दांते अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से एक एडाप्टर लगता है जो कंपनी ही प्रोवाइड कराती है, तो उसको उसमें असेंबल करके स्टेयरिंग यही लगेगा, बस दांते जो उसके गियर्स हैं गियर के हिसाब से वो एक पर्टिकुलर एडाप्टर है वो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एक मिनट साइड हो गए, जैसे कंप्यूटर घोड़े के लिए भाई इन सब चीज़ों के लिए काम में बताया गया है। ये अलग है बहू जी।